हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम जन और पर्यावरण के एमसीक्यू क्यू का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया था, और लगातार जो हमारी सीरीज़ है ये रिवीजन की, जिसमें मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस और अब जन पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैं करवा रहा हूँ। अगर आपने पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है NTNET पेपर वन की, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है आप इसे पूरा देखें। इसमें लगभग मैं 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपके 10 नंबर जो है एग्ज़ाम में पक्के हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन जो है वो लगभग यहीं से आएंगे और आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है, या जैविक समुदाय कहा जाता है, या प्लांट्स कहा जाता है, या बायोमास कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बायोमास, ठीक है ना। पारिस्थितिक तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को कहा जाता है बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड किसे कैसे होते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं? सदैव उल्टे, या सदैव क्षैतिज, या कभी कभी विकर्ण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदैव उल्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है? ठीक है ना, हानिकारक नहीं है हमें बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसका ये जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैनग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है? मालाबार तट से तट पे, या फिर सुंदरबन वन में, या फिर कच्छ के रण में, या फिर तटीय उड़ीसा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में, ठीक है ना, उड़ीसा के सुंदरवन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? दो मुख्य घटक कौन से हैं? पौधे और जानवर, या फिर जैविक और अजैविक, या पृथ्वी और उसके परिवेश, या फिर मैक्रो और सूक्ष्म जीव? तो ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, कीस्टोन प्रजाति, या फिर फाउंडेशन प्रजाति, या फिर अम्ब्रेला प्रजाति, या संकेतिक या संकेतक प्रजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ब्रेला प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कथन दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कथन एक कहता है कि यह एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। ऑप्शन बी कहता है कि कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसन परितंत्र में नहीं होती हैं। तो अगर हम कथनों को देखें तो इसके कथन दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? ठीक है ना, एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या, या फिर जैव समुदाय, या जैव विविधता, या पारितंत्र? तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रणाली की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल और सॉरी जलमंडल और स्थलमंडल, तो इसको मिलान करना है हमें। तो ए का आक्रिय गैसें जो होती हैं ये वायुमंडल में ही होती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम देखें जैव मंडल, तो वो उसमें जैव पदार्थ पाए जाते हैं,
स्थल मंडल जो होता है वो लाइट सिलिकेट्स वहाँ पाया जाता है जल मंडल में, ठीक है ना। और स्थल और उसके बाद एक मिनट, चौथे सॉरी तीसरे का हो जाएगा दूसरा, और चौथे का डी होगा, ठीक है ना। तो ये होगा स्थल मंडल में पाया जाता है लाइट सिलिकेट्स, और जल मंडल में पाया जाता है नमक और ताजे पानी और बर्फ़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र से मुख्य रिसाव है, ठीक है ना, डिस्चार्ज है, हमें बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है फ्लाई ऐश, ठीक है ना, राख को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विधि प्रयोज्य एवं अच्छी गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है, ठीक है ना, क्लोरीनीकरण, या फिर धातु विज्ञान, या फिर क्लाउड सीडिंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मलेरिया का मुख्य कारण क्या होता है। मलेरिया का मुख्य कारण आपको बताना है, बैक्टीरियल संक्रमण, या फिर वायरल संक्रमण, या परजीवी संक्रमण, या फिर फफूंद संक्रमण। तो उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, परजीवी संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तिकरण होता है। ओजोन रिक्तिकरण होता है, तो 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ओजोन झरण इसी के कारण हो रहा है, CFC जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। आपको कमेंट में बताना है CFC का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से किस प्रकार रासायनिक अपक्ष बढ़ते हैं। अपक्ष का मतलब होता है चट्टानों का टूटना, ठीक है ना। तो 71वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर या निकट चट्टान के विघटन का कारण बनती है। ऑप्शन ए कहता है भौतिक अपक्ष, बी कहता है अपझरण, सी कहता है रासायनिक अपक्ष, डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक अपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता को कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है, सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि बंद कमरे में जब हम आग जलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है, तो वो भी बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए कहता है आंखों और त्वचा में जलन पैदा करने करके, या फिर अस्थमा की समस्या का भयावह हो जाना, या फिर ऑक्सीजन ले जाने रक्त की क्षमता को कम करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 74वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा की समस्या का भी भयावह हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन एक माध्यमिक वायु प्रदूषक के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह, चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्यों माना जाता है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में होता है इस कारण, या फिर वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनी होती है, या फिर उद्योगों में उत्पादित की जाती है, या फिर प्रदूषण में माध्यमिक भूमिका निभाती है। तो 75वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा गाड़ियों और ट्रकों से प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से निकलता है, कहाँ से निकलता है आपको बताना है, कारों और ट्रकों से, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं से, कारखानों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कारों और ट्रकों से निकलता है सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च एकाग्रता से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन ए कहता है सिरदर्द या फिर चक्कर आना, श्वसन की समस्या या फिर उपयुक्त में से सभी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक अनावृत्ति से मुख्य रूप से किसको नुकसान पहुंचता है, अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा प्रणाली को, श्वसन प्रणाली को, मांसपेशीय प्रणाली को या तंत्रिका तंत्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्राव और प्रतिरक्षा प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटनाशकों के अत्यधिक अनावृत्ति के कारण होता है, मलेरिया या डिफ्थीरिया या फिर कैंसर और मस्तिष्क संबंधी समस्या या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर और मस्तिष्क संबंधी समस्या। तो ये तो था हमारा वीडियो जन और पर्यावरण का पार्ट टू। अब पार्ट थ्री जो होगा वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, 500 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट टू था जन और पर्यावरण का। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और फिर संचार के ऊपर, तो आप उसे ज़रूर देखें, जिसमें मैंने लगभग 200-300 जो MCQs बन सकते थे वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड कर रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं, NTA NET Paper 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।